नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग जो है रिजोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि इसमें हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें रिजोल्यूशन में आएंगे और उनका सोल्यूशन क्या होगा वो देखेंगे। तो रिजोल्यूशन में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पहला सिंपल रिजोल्यूशन, दूसरा रिजोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। सिंपल रिजोल्यूशन मतलब जिसमें कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं होगा, सारे पार्टनर सॉल्वेंट होंगे। और सेकंड जो है हमारा रेजोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन, इसमें एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो सकता है, दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो सकता है या ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। आगे हम वीडियो देखिए, उसमें हमें आगे आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले हमें क्वेश्चन दिए क्या होंगे रेजोल्यूशन में, तो रिजोल्यूशन में हमें जो दिया होगा, पहला बैलेंस शीट और अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन को हम एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं। ये दो चीज़ हमें दी होगी और हमें बनाना क्या होगा, हमें दो तरीके के क्वेश्चन होंगे। एक या तो लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए दिया होगा, दूसरा या तो हमें जर्नल एंट्री बनाने के लिए दिया होगा। तो लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए दिया होगा तो हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, लेजर प्रिपेयर करने के लिए अगर दिया है तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, तीसरा पार्टनर करंट अकाउंट प्रिपेयर करना होगा इफ़ कैपिटल मेथड इज़ फिक्स्ड। अगर हमारा कैपिटल मेथड फिक्स्ड है तो ही हमें करंट अकाउंट बनाना है, नहीं तो हमें करंट अकाउंट नहीं बनाना है। उसके बाद फोर्थ है हमारा पार्टनर लोन अकाउंट, ये जब हमें नेसेसरी होगा तभी बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना है। और लास्ट हमें कैश बैंक अकाउंट बनाना है जो हमारा टैली होना चाहिए। ये हम सिंपल रिजोल्यूशन होगा तब प्रिपेयर करना है, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है या दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं तब हमें ये प्रिपेयर करना है। लेकिन अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो हमें कुछ अकाउंट एक्स्ट्रा बनाने होंगे, तो उसमें से एक्स्ट्रा अकाउंट क्या क्या बनाने हैं वो देख लेते हैं हम। तो हमें एक्स्ट्रा अकाउंट अगर बनाने होंगे तो क्या बनाना है, तो सारे लायबिलिटी अकाउंट, जो भी लायबिलिटी दिया है वो बनाना होगा, जैसे क्रेडिटर अकाउंट, थर्ड पार्टी लोन अकाउंट। थर्ड पार्टी मतलब पार्टनर्स के अलावा कोई लोन दिया है तो वो अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट एट्सेट्रा। तो ये सारे अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने होंगे और साथ में डिफिशियंसी अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। तो ये सारे अकाउंट हमें कब बनाने हैं, जब ही सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे, तो नहीं तो हमें ये अकाउंट नहीं बनाना है। और अगर हमें लेजर अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमें जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना होगा। जर्नल एंट्री क्वेश्चन में दिया हो सकता है, जर्नल एंट्री कैसा दिया होगा इसका स्पेसिमेन देख लेते हैं। हमें जर्नल एंट्री फिक्स रहेगा वो हमें याद करना होगा या हमें प्रैक्टिस करनी होगी। जर्नल एंट्री में हमें दिया होगा तीन स्टेज हमें बनाने होंगे। पहला स्टेज होगा हमारा ट्रांसफर स्टेज, दूसरा स्टेज होगा हमारा रियलाइजेशन स्टेज, या तो इसको डिस्पोजल स्टेज भी बोला जाता है, और लास्ट हमारा जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, इसको हम क्लोजिंग स्टेज भी बोल सकते हैं, जहाँ पे हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट और सारे अकाउंट्स क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो हम एक एक करके सारे जनरेटरी को देख लेते हैं। ट्रांसफर स्टेज में पहला हमारा काम होगा सारे एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसके लिए हमें एंट्री क्या पास करनी है, तो उसके लिए एंट्री हमारा होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब यहाँ पे मैंने एसेट लिखा है, लेकिन जब हमारा क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन में हम एक एक एसेट, सारे एसेट्स को लिखेंगे एक्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को छोड़ के सारे एसेट्स लिखेंगे, जैसे फर्नीचर अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया, मोटर कार अकाउंट हो गया, स्टॉक अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट छोड़ के, कैश अकाउंट भी नहीं होगा यहाँ।
और इसके अंदर जो भी अमाउंट हम लिखेंगे वो बुक वैल्यू या बैलेंस शीट पे जो प्राइस दिया रहेगा वो लेना है हमको। अब इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप आएगा, लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन अकाउंट। तो लाइबिलिटीज़ को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री हमारी होगी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें मैंने लाइबिलिटी लिखा है, सेम एसेट के तरह यहाँ पे भी हमें सारे लाइबिलिटीज़ का नाम अलग अलग लिखना पड़ेगा, जैसे क्रेडिटर अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, लोन अकाउंट, थर्ड पार्टी लोन अकाउंट, ये सारे लोन का अलग अलग नाम लिखना होगा। फिर वहाँ पे अमाउंट जो लिखना होगा बैलेंस शीट में जो अमाउंट दिया रहेगा वो अमाउंट हमें लिखना होगा, और सारे अमाउंट को ऐड करके रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना होगा। तो ये हमारा लाइबिलिटी ट्रांसफ़र हो जाएगा। लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करने के बाद हमारा थर्ड एंट्री होगा, तो फॉर ट्रांसफरिंग प्रोविजन अगेंस्ट क्लोजिंग एसेट्स, तो जो भी क्लोजिंग एसेट्स से होंगे उसके अगेंस्ट में हमें एंट्री पास करना होगा। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, सारे नहीं हो सकते, उसमें से मोस्टली RDD अकाउंट दिया रहता है और ये कुछ कुछ और भी दिया है एक्स्ट्रा, तो वो भी हम समझेंगे। तो पहला RDD अकाउंट, तो इसमें एंट्री जो होगा हमारा RDD डेबिट प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अगर प्रोविज़न अकाउंट दिया है तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। उसके बाद कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट दिया है तो वो उसको डेबिट करेंगे, अगर प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट अकाउंट दिया है तो उसको डेबिट करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिया है तो उसको डेबिट करेंगे, लास्ट में हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट अगर वो दिया है तो उसको डेबिट करेंगे। मोस्टली इसमें RDD अकाउंट ही दिया होता है, अगर RDD अकाउंट दिया है तो RDD को डेबिट करेंगे एंड रियलाइजेशन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और बैलेंस शीट में जो अमाउंट दिया है वही अमाउंट यहाँ पे लिखना होगा। चौथा हमारा एंट्री ये होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व फंड, ये दिया होगा तो इससे हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। कभी कभी हमारा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होता है, तो जो लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, जो पार्टनर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया रहता है, तो उससे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। साथ में लाइबिलिटी साइड में हमें जनरल रिजर्व भी दिया हो सकता है या रिजर्व फंड दिया हो सकता है, तो ये जनरल रिजर्व जो होता है पार्टनर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ रहता है तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा रिजर्व फंड भी दिया हो सकता है, तो उन रिजर्व फंड भी सेम जो पार्टनर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया रहता है, तो उसे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेम एंट्री क्या करना है हमें, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट, दोनों में से जो रहेगा उन दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टनर लिखा है तो यहाँ पे तीन पार्टनर होंगे तो तीनों पार्टनर का नाम होगा, जैसे पार्टनर ए है, पार्टनर बी है और पार्टनर सी है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पार्टनर ए कैपिटल अकाउंट, पार्टनर बी कैपिटल अकाउंट और पार्टनर सी कैपिटल अकाउंट, और तीनों में अमाउंट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे PSR रेशो, PSR रेशो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिफ्थ हमें दिया हो, फिफ्थ हमें क्या करना है, अगर सेम जैसे लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में दिया है तो उसे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस जो लॉस जो पार्टनर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो उसे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसका एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम उसका रिवर्स उल्टा, मतलब यहाँ पे देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम यहाँ पे भी हम अगर तीन पार्टनर हैं तो पार्टनर ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करेंगे तो उसको हमें तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब हमारा आता है सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज में हमें क्या करना है, सारे एसेट्स को क्या करना है, सोल्ड करना है
फिर उसके बाद सारे लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना है, ये हमें अदर इन्फॉर्मेशन में दिया होगा। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा, हमें दो चीज़ दी होगी, बैलेंस शीट और अदर इन्फॉर्मेशन। तो अदर इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ हमें दी होगी, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। तो पहला एसेट सोल्ड किया तो क्या एंट्री पास होगा। अब कुछ एसेट रिकॉर्डेड होंगे और कुछ अनरिकॉर्डेड होंगे। रिकॉर्डेड एसेट मतलब बैलेंस शीट में ये एसेट ये दिया होगा, और अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब जो बैलेंस शीट में नहीं दिया होगा तो भी उसका सेल हुआ है, तो उन दोनों का एंट्री सेम होगा। तो उसका एंट्री हमें कैसे याद रखना है, जैसे जब हम एसेट्स को बेचते हैं तो हमें हमारे पास कैश आता है, तो कैश आया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और इसमें अमाउंट जो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस हमें अदर इन्फॉर्मेशन में दिया होगा, तो अदर इन्फॉर्मेशन में जो सेलिंग प्राइस दिया रहेगा वो अमाउंट हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझो बहुत सारे एसेट्स है, फर्नीचर है, मोटर कार है, मशीनरी है, तो ये सारे एसेट्स है। तो सारे एसेट्स को ऐड करके हम लोग एक ही बार में लिखेंगे, यहाँ पे इंडिविजुअली अलग अलग एसेट्स को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम सारे एसेट्स को ऐड करके एक ही बार कैश और बैंक अकाउंट में लिख देंगे। सेकेंड, जैसे एसेट सेल हुआ, हो सकता है एसेट्स पार्टनर को ही लेके चला जाए, कोई पार्टनर अगर एसेट लेके जा रहा है तो उस समय क्या एंट्री होगा हमें, मतलब ये ऊपर एंट्री है जहाँ कैश बैंक है उसकी जगह पे पार्टनर का नाम आ जाएगा, जो भी पार्टनर ने लेके गया उस पार्टनर का नाम आएगा। जैसे ए पार्टनर ले गया तो ए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर बी पार्टनर ने ले गया तो बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर सी पार्टनर ले गया तो सी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। एवी, एवी मतलब एग्रीड वैल्यू, जो वैल्यू उसने एग्री किया है वो वैल्यू यहाँ पे हम लेंगे। थर्ड, जैसे एसेट्स को बेचा उसी तरह हम लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, तो लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, कैश जाएगा तो कैश को क्रेडिट किया और रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे, तो हमारा एंट्री बन जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, और हमारा नरेशन होगा बिंग लाइबिलिटी पेड। अमाउंट हम लेंगे एक्चुअल पेमेंट, जो पेमेंट किया, एक्चुअल पेमेंट जो किया वो अमाउंट लेंगे, ये हमें बैलेंस शीट में, सॉरी अदर इन्फॉर्मेशन में दिया होगा। सेम यहाँ पे भी अलग अलग तरीके की लाइबिलिटी हो सकती है, जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, थर्ड पार्टी लोन हो गया, तो सारे लोन जो भी लाइबिलिटी है पूरी लाइबिलिटी हम ऐड करके एक साथ में यहाँ पे लिखेंगे, और जो जो लाइबिलिटी का पेमेंट किया उसको हम नरेशन में मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ एंट्री, जैसे लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ, हो सकता है उसमें से कोई पार्टनर लाइबिलिटी का पेमेंट खुद कर रहा है, अपने पास से कर रहा है वो, तो उस जगह पे हम जहाँ पे कैश बैंक को क्रेडिट कर रहे थे वहीं पे हम जिस पार्टनर ने पेमेंट किया है उस पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। यदि ए पार्टनर ने पेमेंट किया है तो ए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर बी पार्टनर ने किया है तो बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और सी पार्टनर ने किया है तो सी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो हमारा एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ, फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस, जैसे रियलाइजेशन हो रहा है तो उस समय कुछ एक्सपेंस भी होगा, मतलब कुछ एसेट सेल हो रहा है तो एसेट सेल होने की वजह से हो सकता है कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो, कुछ हॉल का खर्चा हो, तो उसे हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, या उसको डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी बोलते हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर फॉर्म पे कर रही है तो उस समय क्या एंट्री होगा, एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, मतलब कैश में पेमेंट किया है फॉर्म ने, तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। दूसरा केस क्या हो सकता है कि वो रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है पार्टनर पे कर रहा है, अगर कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर रहा है तो हमारा एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जिस पार्टनर ने पे किया उस पार्टनर का नाम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेवन, जो सेल आउट हुआ उस सेल आउट में किसी पार्टनर ने बहुत हेल्प की, बहुत मदद की, तो कंपनी उसको क्या दे रही है, कमीशन दे रही है, पार्टनरशिप क्या दे रही है, कमीशन दे रही है,
तो उसके लिए क्या एंट्री होगा? तो उसके लिए हमारा एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। तो जिस पार्टनर को कमीशन पे किया उस पार्टनर का नाम आ जाएगा। इतना है हमारा, कुछ कंटिजेंसी हो गई। कुछ कंटिजेंसी क्या होती है, जैसे कुछ कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है और उसका पेमेंट करना पड़ा हमें, तो वो हमें एडजस्टमेंट में दिया होगा, तो उसके लिए एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। उसके बाद है फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन अकाउंट। जैसे कोई पार्टनर है, पार्टनर ने लोन दिया है फॉर्म को और उसका पार्ट फॉर्म क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है, तो उस समय हमारा एंट्री क्या होगा, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। कैश बैंक मतलब कैश गया, और किसके लिए कैश गया, लोन के लिए, पार्टनर का लोन पेमेंट किया है इसके लिए पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेज आएगा डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज को ही हम ये भी बोलते हैं क्लोजिंग स्टेज। तो इस क्लोजिंग स्टेज में क्या होगा, पहला हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट जब क्लोज होता है तो या तो हमें प्रॉफिट होता है या तो हमें लॉस होता है। तो प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री पास करना है, लॉस होगा तो क्या एंट्री पास करना है। तो जब हमें प्रॉफिट होगा तो हमारा एंट्री क्या होगा, तो देखो ये पहला हमने मैंने लिखा है, जब हमें प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और वो जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट बना रहे हैं तो करंट अकाउंट आएगा, अगर करंट अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट आएगा। तो इसमें अगर तीन पार्टनर है, पार्टनर ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, पार्टनर बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और पार्टनर सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और वो तीनों पार्टनर में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह लॉस होगा तो क्या एंट्री पास करना है, सेम इसका रिवर्स हो जाएगा, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सेम जैसे यहाँ पे किया वैसे सेम यहाँ पे भी करेंगे। अगर ए पार्टनर है तो ए पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद हम तो पहले करंट अकाउंट क्लोज करेंगे फिर कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। तो करंट अकाउंट क्लोज करेंगे तो इसमें दो कंडीशन होगी, या तो हमारा क्रेडिट बैलेंस आएगा या तो हमारा डेबिट बैलेंस आएगा। तो क्रेडिट बैलेंस आएगा तो क्या एंट्री पास करना है, तो क्रेडिट बैलेंस आएगा तो हमें एंट्री पास करना है पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे सभी पार्टनर का अलग अलग हो सकता है, ए का अलग रहेगा, बी का अलग रहेगा, सी का अलग रहेगा। सेम इसमें सेकंड कंडीशन हो सकती है, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो क्या करना है, डेबिट बैलेंस होगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू पार्टनर करंट अकाउंट लिख देंगे। तो इसमें भी तीनों पार्टनर का अलग अलग लिखेंगे यहाँ पे। अब हम जब क्लोज करेंगे या तो क्रेडिट बैलेंस होगा या तो डेबिट बैलेंस होगा, दोनों नहीं आएगा। सेम यहाँ पे भी या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, दोनों नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही। अब हम कैपिटल अकाउंट को किस तरह क्लोज करेंगे वो देखते हैं। कैपिटल अकाउंट में भी हमें दो तरीके का बैलेंस दिखाई देगा, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो हमें एंट्री पास करना है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। डेबिट बैलेंस का मतलब है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से अमाउंट मिला, और अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब पार्टनर को अमाउंट दिया, फॉर्म ने पार्टनर को अमाउंट दिया। इस तरह मैंने आप लोगों को रेजोल्यूशन से रिलेटेड जनरलिटी का सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आएगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।